दिवाली का पर्व पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार साल 2022 में कार्तिक अमावस्या की तिथि 24 अक्टूबर सोमवार के दिन दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली का पर्व पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2022 में कार्तिक अमावस्या की तिथि 24 अक्टूबर सोमवार के दिन दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली का पर्व सुख समृद्धि यश वैभव का प्रतीक है और दिवाली का पर्व पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि श्री गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में खुशहाली व धन वैभव का आगमन होता है। दिवाली के पर्व पर विधि पूर्वक लक्ष्मी की पूजा करें व साथ में धन वैभव यश का आगमन करें। तो चलिए अब हम जानते हैं लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त। शाम के 6:54 से 8:16 तक रहेगा, जिसकी अवधि 1:21 तक है। तो चलिए अब जानते हैं लक्ष्मी पूजन की विधि प्रक्रिया व नियम। दिवाली पर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी जी की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। शास्त्रों के अनुसार बताए गए मुहूर्त में श्री गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करना शुभ माना गया है। इस दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर और पूरे मनोयोग के साथ पूजा अर्चना करें। कोशिश करें ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक वेद मंत्रों द्वारा पूजन करें और माँ लक्ष्मी श्री गणेश का अभिषेक करके उनका श्रृंगार व फल फ्रूटों से उनका भोग लगाएं। पूजा के बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती और मंत्रों का जाप अवश्य करें। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है, तो दान जप इत्यादि करके आप माँ लक्ष्मी श्री गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं दिवाली की पुरानी कथा। हिंदू धर्म में हर त्यौहार से कई धार्मिक मान्यता और कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। दिवाली को लेकर भी दो अहम पौराणिक कथाएँ प्रचलित है। कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर और लंकापति रावण का नाश करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन की खुशी पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था, तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। एक अन्य कथा के अनुसार नरकासुर नामक राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और साधु संतों को परेशान कर दिया था। इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया और देवता व संतों की जो 16,000 स्त्रियों से इनको कैद से मुक्त कराया। तभी से नरक चतुर्दशी और दिवाली का त्यौहार मनाया जाने लगा। इसके अलावा दिवाली को लेकर और भी पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी दीपावली मनाई थी। इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। तो मित्रों, ये तो थी दीपावली से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो बताइए वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके बीच ऐसे ही व्रत त्यौहार संबंधित तीर्थोदान ज्योतिष सनातन धर्म आध्यात्मिक रहस्यमयी जानकारी लाता रहूँगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।